हरियाणा में विपक्ष इन दिनों सरकार पर हमलावर है। नूमी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर सरकार की ओर से डिप्टी सीएम ने उन्हें जवाब भी दिया। हरियाणा की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है, जिसका कारण है बीते दिनों हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए कुछ निर्णय और एचपीएससी। अब विपक्ष इन मुद्दों को पूरी तरह से भुनाना चाहता है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। सोहना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। ये तो जो है ना परचून की तरह, परचून की दुकान में जैसे सामान बिकता है, जैसे नौकरियां बिकी हैं इनकी बीजेपी और जेजेपी के समय। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और खास तौर पर प्रदेश में शराब ठेकों से शराब खरीदने की उम्र 25 वर्ष से 21 वर्ष करने पर सरकार से सवाल किया। पहले इनका नारा था, डिप्टी सीएम जो है उनका एक नारा था, कहते थे ठेके गांव के बाहर ठेके कराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि गांव के घर में ठेके कराएंगे, गांव के घर घर में शराब पहुंचाएंगे। आपने देखा क्या हुआ कोरोना के काल में। अब घर घर की बात होगी तो कभी घर में रहेगी, मगर बच्चे बच्चे तक पहुंचाएंगे। अब 21 साल की उम्र कर दी। अब विपक्ष हमलावर है तो सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से विपक्ष के सवालों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास तथ्य हैं तो बताएं। हमारी सरकार के पिछले 2 साल में कोई एक गलती सामने आई है तो हमने उसको बख्शा नहीं, चाहे वो HCS ऑफिसर हो चाहे IPS ऑफिसर हो। जहाँ भी नाम आया है तुरंत उसके ऊपर FIR करी, एक्शन लिया और टर्मिनेट करने की जरूरत करी तो टर्मिनेट भी। आज 28 प्रदेशों में थी, हरियाणा ने कर दिया तो आज सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए निर्णय लिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जवाब से ये तो साफ है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन पक्ष विपक्ष की इस जंग में जनता को कितना फायदा होगा और क्या फायदा होगा ये तो अभी यक्ष प्रश्न है। कासिम खान नू, गुलशन ग्रोवर सोहना और दिनेश कौशिक रोहतक, खबरें बीता।